आज क्षेत्र में फरुखनगर तहसील परिसर में नंबरदारों की बैठक जिला अध्यक्ष नरेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज। यह बैठक फरुखनगर में रिक्त पड़े लंबरदार धारमदार के पदों की नई नियुक्ति के लिए की गई थी। इस दौरान सभी लंबरदारों ने जिला अध्यक्ष नरेश यादव को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया, जिसमें मंजीत सिंह बाबड़ा बाकीपुर को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुधीर सिंह उपाध्यक्ष जय भगवान महासचिव फरुखनगर रहे। आइए आपकी बातचीत करवाते हैं जिला अध्यक्ष नरेश यादव से। सर, आज फरुखनगर तहसील के अंदर सभी लंबरदार इकट्ठे हुए हैं, तो उसकी खास वजह क्या है, किस कारण से आप लोग इकट्ठा हुए? देखिए, मैं नरेश यादव जिला गुड़गांव का अध्यक्ष होने के नाते, पहले मैं प्रधान था तहसील फरुखनगर का, अब मेरे को डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव की जिम्मेदारी दे दी गई है और मेरे को डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो मेरी कार्यकारिणी मेरी पोस्ट फरुखनगर तहसील में खाली हो गई थी, तो यहाँ की नई कार्यकारिणी का गठन मैंने करना था, मेरी उपस्थिति में करना था। सभी भाई लंबड़दारों ने किया है अपनी मर्जी से और आज नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें भाई मंजीत सिंह बाबड़ा बाकीपुर प्रधान बनाए गए हैं, भाई सुखबीर सिंह बसुंडा को प्रधान बनाए गए हैं, भाई जय भगवान महासचिव बनाए गए हैं फरुखनगर से, और भाई प्रताप सिंह कार्यकारिणी सदस्य गणे सचिव बनाए गए हैं, भाई धर्मवीर सिंह हमारे खंडेवाड़ा से, और खजानची हमारे कोषाध्यक्ष हमारे बहुत ही बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक कैप्टन केसी यादव जमालपुर से बनाए गए हैं, जो हमारे 15-16 साल से कैश का कोषाध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, उनको फिर बरकरार रखे गए हैं। और आज के कार्यकारिणी का मेन उद्देश्य यह था, नई कार्यकारिणी गठन करके और आगे सरकार के साथ अपनी सलाह मशवरा करके अपनी लंबरदारी बरकरार रखना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर, सरकार लंबरदारी को खत्म करना चाह रही थी कि इनका कोई काम तहसील के अंदर रहेगा ही नहीं, तो उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है अभी आप लोगों की? सरकार ने ऐसा कोई लिखितम में ऑर्डर तो नहीं आया हमारी तहसील में, तो लेकिन वक्तव्य में चला हुआ है, उसके लिए सरकार से हमारी बातचीत लगातार चली हुई है, सीएम साहब से हमारी मीटिंग हो रही है और जल्दी ही सीएम साहब सम्मेलन बुला रहे हैं लंबरदारों का पूरा हरियाणा का, और उसमें ये सारी मांगे शायद मान लेंगे, ऐसा आश्वासन हमें मिला है। सर, अक्सर देखने में आता है जब आप लोगों की मीटिंग होती है तो ही क्षेत्र के जो आपके यहाँ फरुखनगर खंड के लंबरदार है वो यहाँ पे आते हैं, बाकी अगर आम जनता की बातचीत करें तो उनका कहना है कि 2-3 लंबरदारी तहसील में डोलते रहते हैं, बाकी कोई यहाँ रहता ही नहीं, उनके गांव का तो लंबरदार होता ही नहीं है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? उस विषय में कहना चाहूंगा कि जो भाई यहाँ पे लगातार दूसरे गांव की रेस्टियां करते हैं, दूसरे गांव के विटनेस करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पे लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, और प्रत्येक गांव के लंबरदारों को मैं ये एक संदेश देना चाहूंगा कि वो अपना काम छोड़ के और पब्लिक का काम के लिए करने के लिए तहसील में आए, जिसको काम है नंबरदार को इन्फॉर्मेशन दे, मेरा काम है, चलो नंबरदार।